आज इस लेक्चर में हम फर्मेंटेड मिल्क को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्मेंटेड मिल्क क्या होता है एंड इसकी मेरिट्स कौन कौन सी हैं, मिल्क को फर्मेंट करने के लिए जो स्टार्टर कल्चर यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, स्टार्टर को कैसे प्रोपेगेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के फर्मेंटेड मिल्क हैं, जैसे कि नेचुरल बटर मिल्क, कल्चर्ड बटर मिल्क, असीडोफिलस मिल्क, बुल्गेरियन बटर मिल्क, क्यूमिस, कैफिर, योगर्ट एंड दही। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हें इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सारे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क उस मिल्क को बोला जाता है जिसमें सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एम्प्लॉय किया जाता है कुछ अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, बॉडी एंड टेक्सचर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फर्मेंटेशन से क्या होता है, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटम होता है उनमें, या तो वो प्रोटीन हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। ये क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम्स का स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्शन हो जाता है इसीलिए। डेयरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेशन करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है या फिर सोरिंग ऑफ मिल्क फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है। मेरिट्स क्या हैं फर्मेंटेशन के, ये जो फर्मेंटेड मिल्क होते हैं वो मोर पैलेटेबल होते हैं देन मिल्क से, न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो इनकी इंक्रीज हो जाती है, एंड मोर इजली असिमिलेटेड बाय द ह्यूमन सिस्टम देन मिल्क, मे कंटेन बेनिफिशियल एंटीबायोटिक एंड एनी मे पोजेस थेरापेटिक प्रोसेसेस। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा होती है फर्मेंटेड ड्रिंक्स में, एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं। रेगुलर कंसप्शन अगर इसकी होती रहे तो ह्यूमन बीइंग की जो लॉन्गेविटी है वो भी इंक्रीज होती है, ये क्लेम किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड मिल्क, नेचुरल बटर मिल्क, कल्चरल बटर मिल्क, असीडोफिलस मिल्क, बुल्गेरियन बटर मिल्क, क्यूमिस, कैफिर, योगर्ट एंड दही, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्टार्टर प्रोपिगेशन एंड क्वालिटी एंड डिफेक्ट्स। स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर एक एक्टिव बैक्टीरियल कल्चर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्मेंटेड मिल्क को या फिर किसी मिल्क प्रोडक्ट को, ठीक है। लैक्टिक स्टार्टर कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कल्चर, इसमें लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई का कल्चर होता है लैक्टिक स्टार्टर में। नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टर से यूज़ किए जाते हैं, कल्चर से यूज़ किए जाते हैं उस हिसाब से कि कौन सा डेयरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है या फिर कौन सा फर्मेंटेड मिल्क हमें बनाना है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड होते हैं फर्मेंटेड मिल्क में जो कि बिलोंग करते हैं जर्म स्ट्रेप्टोकोकस को, एंड वो दे मे और मे नॉट कंटेन एसोसिएटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द जीनस ल्यूकोनोस्टॉक। स्टार्टर स्पीशीज है जो मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्री में कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, स्टेप्टोकोकाई लैक्टिस, स्टेप्टोकोकाई सेरेमोरिस एंड स्टेप्टोकोकाई डायास्टालेटिस एंड ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रिनोवोरम एंड ल्यूकोनोस्टॉक डेक्स्ट्रानियम, ठीक है। ये लैक्टिक ये स्टेप यूज़ की जाती हैं मोस्टली स्टार्टर स्पीशीज़। जो स्टार्टर हैं उसमें सिंगल लैक्टिक एसिड की स्ट्रेन भी हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकता है लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई का विद और विदाउट लिकोनोस्टोक स्पीशीज़। जो एंशियंट स्टार्टर्स हैं वो ना थ्री डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जब फर्मेंटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्स्ट इज एसिड प्रोडक्शन करते हैं, सेकंड इज डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक फ्लेवर को प्रोड्यूस करते हैं, एंड थर्ड इज ग्रोथ है जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको प्रिवेंट कर देते हैं जिसकी वजह से पाश्चराइजेशन एंड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट जो कि पाश्चराइजेशन के दौरान प्रेजेंट होते हैं प्रिंसिपली वो उसे इनहिबिट ही कर देते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पीएच है जो अलग से एस्टाब्लिश हो जाती है एंड अनफेवरेबल हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए पीएच।
ईच फर्मेंटेड मिल्क के लिए सिलेक्टेड स्टार्टर कल्चर है जो यूज़ किया जाता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। कॉमनली जो स्टार्टर कल्चर्स हैं कमर्शली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, यूजली फ्रॉम केयरफुली सिलेक्टेड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर अवेलेबल इन लिक्विड टैबलेट और पाउडर फॉर्म। दे मे बी फ्रीज ड्राइड एज वेल। मदर स्टार्टर कल्चर क्या होता है? मदर स्टार्टर कल्चर स्टॉक लैक्टिक कल्चर को बोलते हैं जो कि रूटीन में लेबोरेटरी में और या फिर डेयरी प्लांट में डे टू डे बल्क प्रोपेगेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। बल्क स्टार्टर कल्चर है जो उसे लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है मिल्क को ऐड करके, वन एवर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्मेंटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी बल्क स्टार्टर कल्चर को प्रिपेयर किया जाता है। मदर स्टार्टर, जो मदर स्टार्टर होता है, द प्रेपरेशन ऑफ स्टार्टर्स कल्चर इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक कंट्री कंसिड्रेशन। तो मदर स्टार्टर की प्रेपरेशन के लिए फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है उसमें हम स्किम मिल्क को यूज़ करते हैं जिसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए एंड उसमें लो काउंट मिल्क फ्रॉम हेल्थी एनिमल इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, जो हेल्थी एनिमल है उसी से मिल्क लेना है और उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए एंटीबायोटिक्स की, इनहिबिटरी सबस्टांसिस की। अगर मिल्क में एंटीबायोटिक एंड इनहिबिटरी सबस्टांसिस की प्रेजेंस होगी तो उस मिल्क को नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो स्किम मिल्क स्प्रे ड्राइड होता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क होता है उसको डिस्टिल करते हैं हम 10-11% मिल्क सॉलिड के साथ और उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं मदर स्टार्टर के तौर पर। ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया जाता है, 82 डिग्री सेल्सियस पे हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है 1 आवर के लिए। आफ्टर हीटिंग जो मिल्क है उसको स्लोली कूल किया जाता है 21 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक इनाकुलेशन के लिए। स्वेयर मिल्क हीटिंग से क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट ब्राउनिंग हो सकती है। तो स्वेयर मिल्क की हीटिंग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी है, जो रिक्वायर्ड टाइम टेम्परेचर है उसी पर करनी है। नेक्स्ट इज कंटेनर। कंटेनर में वाइड माउथ स्क्रू कैप हीट रेजिस्टेंट ग्लास बॉटल हम यूज़ करते हैं मदर स्टार्टर के लिए। बोथ बॉटल्स एंड कैंस शुड बी थॉरली क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड बिफोर यूज़। कंटेनर लेने के बाद कंटेनर में बॉटल्स एंड कैंस भी यूज़ कर सकते हैं जिनको पहले क्लीन करके सैनिटाइज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इनाकुलेशन का स्टेप होता है, उसमें हम 1% इनाकुलेशन फॉर्म करते हैं स्ट्राइल पिपेट के साथ मदर स्टॉक से। ठीक है, अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन क्या होती है, एसेप्टिक कंडीशन होती है जो आपका कंटेनर है वो भी स्टरलाइज हो, कंडीशंस जिसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो वो भी स्टरलाइज हो एंड जो प्रोडक्ट आप पैक कर रहे हो वो भी स्टरलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने 1% इनाकुलेशन है जो लेनी है मदर स्टार्टर से पिपेट यूज़ करके, स्ट्राइल पिपेट यूज़ करके अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। फिर मिक्स कर देना है इनाकुलेशन को, रोटेट करके बॉटल को आफ्टर कैपिंग एंड उसके बाद इनक्यूबेट करना है। देन इनाकुलेटेड मिल्क इज़ प्लेस्ड इन अ कंट्रोल्ड इनक्यूबेटर। तो जो इनाकुलेटेड मिल्क है उसको 22 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेटर पे रखना है विदाउट एजिटेशन 14-16 आवर्स के लिए, अंटिल द जब तक टाइट्रेबल एसिडिटी 0.75 से लेके 0.85% नहीं हो जाती तब तक उसको इनक्यूबेट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज अ कूलिंग। कूलिंग में इट इज़ देन रिमूव्ड एंड क्विकली उसे कूल करना है 5 डिग्री सेल्सियस पे, देन उसको स्टोर कर देना है रेफ्रिजरेटर में। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है मदर एंड बल्क स्टार्टर्स के लिए, उनको रैपिडली कूल करना होता है एंड डिजायर्ड एसिडिटी जब तक रीच हो जाए तब तक उनको इनक्यूबेट करना होता है। एज अदरवाइज नहीं तो क्या होता है कि रैपिड लॉस हो सकता है कल्चर एक्टिविटी का। स्टीरिंग एंड शेकिंग करते रहना फॉर कूलिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर आप कूल करने के लिए स्टीरिंग या फिर शेकिंग करते हैं वो भी अवॉइड करनी है, उसे नहीं करना है। नेक्स्ट है जी बल्क स्टार्टर। अभी हमने पढ़ा स्टार्टर कल्चर क्या होता है एंड उसके बाद हमने मदर स्टार्टर के बारे में डिटेल में स्टडी की, अब हम पढ़ेंगे बल्क स्टार्टर के बारे में।
जो ये बल्क स्टार्टर होता है इसमें लार्ज वॉल्यूम प्रेजेंट मैनी डिफिकल्टीज। द प्रेपरेशन ऑफ अ स्टार्टर कल्चर इन बल्क और लार्ज वॉल्यूम प्रेजेंट्स मैनी डिफिकल्टीज। इट इज़ कंसिडरेबली लेस डिफिकल्टी टू मेंटेन स्टरिलिटी इन बॉटल्स देन इन कैंस। तो इसमें डिफ़िकल्टी कम आती है अगर हम स्टरिलिटी करें फ्लास्क या फिर बॉटल या फिर कैंस में। जो बल्क स्टार्टर मिल्क होता है उसको हीट करना होता है 85 से लेकर 93 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 45 से लेकर 60 मिनट के लिए, एंड उसको फिर रैपिडली हम कूल करते हैं, इनाकुलेट कर देते हैं। इनाकुलेशन करनी है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जो बल्क मिल्क है उसे फिर इनाकुलेट करते हैं इमिडिएटली 1% ऑफ इनाकुलेशन लेके फ्रॉम मदर स्टार्टर कल्चर से। ठीक है, जो इनाकुलेटेड स्टार्टर है फिर उसको स्टिर किया जाता है, स्टेयर किया जाता है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है इनाकुलम की, देन फिर उसे हम राइपन होने देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस के लिए 14 से 16 आवर्स के लिए। एज सुन एज जब तक जो टाइट्रेबल एसिडिटी है वो 0.75 से लेकर 0.85 तक नहीं पहुंच जाती, परसेंट तक नहीं पहुंच जाती। जो स्टार्टर है फिर उसको रैपिडली कूल करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे, देन उसे हेल्ड करते हैं एट दैट टेम्परेचर फॉर यूज़। ये फ्लो डायग्राम दिखाई गई है स्टार्टर प्रोपेगेशन की। जो स्टार्टर हम अब यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए? फ्लेवर माइल्ड प्लीजेंट एंड नटी स्मेल फ्लेवर होना चाहिए, उसमें स्मेल है जो नटी हो, एंड क्लीन एंड एसिड टेस्ट उसमें होना चाहिए। बॉडी सॉफ्ट एंड फिर्म होनी चाहिए। कर्ड है जो शुड गिव अ क्लीन एंड स्मूथ ब्रेक, शुड हैव नो गैस होल्स और वे पैकेट्स। ठीक है, टेक्सचर है जो स्टार्टर का वो भी स्मूथ होना चाहिए जो कि लम्प से फ्री हो, एंड जो टाइट्रेबल एसिडिटी है वो 0.75 से 0.85% होनी चाहिए। जो कलर होता है येलोइश होता है होल काउ के मिल्क का, एंड जो वाइटिश कलर होता है बफेलो के मिल्क का। तो अब हम पढ़ेंगे स्टार्टर में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं। इनसफिशिएंट फ्लेवर डेवलपमेंट, कई बार क्या होता है फ्लेवर डेवलपमेंट इनसफिशिएंट होती है, और एसिडिटी की डेवलपमेंट भी इनसफिशिएंट होती है। हार्ड एंड लंपी कर्ड बन सकती है, एक्सेसिव डेवलपमेंट हो सकती है एसिडिटी की, गैस होल्स बन सकते हैं, वे पॉकेट्स बन सकते हैं, रोपीनेस आ सकती है एंड बिटरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड मिल्क के बारे में। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है जी नेचुरल बटर मिल्क। नेचुरल बटर मिल्क दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चर्निंग क्रीम फ्रॉम बटर मेकिंग। जब हम बटर मेकिंग करते हैं मिल्क से, तो बटर मेकिंग के बाद जो चर्निंग क्रीम बचती है, ठीक है, वो होता है बटर मिल्क। बटर निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम बटर मिल्क बोलते हैं। राइपन क्रीम विच हैज़ अंडरगोन अ क्लीन लैक्टिक फर्मेंटेशन इज यूजली प्रेफर्ड, या फिर इसमें हम राइपन क्रीम भी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है। ऑल्सो इंक्लूड अंडर इंडियन कंडीशंस इज कंट्री बटर मिल्क ऑब्टेंड बाय अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चर्निंग होल मिल्क कर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंट्री बटर। हम सब के घर में क्या होता है, जब लस्सी बनती है ना, तो लस्सी से बटर निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम बस नेचुरल बटर मिल्क बोलते हैं। यही बताया गया है इसमें भी। ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर इंडियन कंडीशंस इज कंट्री बटर मिल्क ऑब्टेंड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चर्निंग होल मिल्क कर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंट्री बटर। तो लस्सी को बोला जाता है बटर मिल्क। नेक्स्ट इज अ कल्चर्ड बटर मिल्क। इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इनाकुलेशन करके एंड इनक्यूबेशन करके पैश्चराइज्ड स्किम मिल्क की लैक्टिक स्टार्टर के साथ। जब हम इनाकुलेट करते हैं लैक्टिक स्टार्टर को एंड इनक्यूबेट करते हैं पैश्चराइज्ड मिल्क स्किम मिल्क में, तो कल्चर्ड बटर मिल्क बनता है। इसको कैसे किया जाता है? पहले तो रिसीव करते हैं स्किम मिल्क को, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद पैश्चराइज किया जाता है 82 से लेके 88 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट्स के लिए। फिर उसको हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद इनाकुलेट करते हैं 1%,
ठीक है, जो हमारा स्टार्टर है उसे, फिर उसके बाद फिर इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन में 21 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद कोअगुलेशन की जाती है 12 से 16 आवर्स के लिए, जिसमें टाइट्रेबल एसिडिटी 0.80 से 0.85% होती है। उसके बाद क्रीमिंग होती है, फिर ब्रेकअप होता है कोअगुलेशन का, एंड बटर ग्रेनुल्स ऐड होते हैं जिसको फिर बाद में हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद पैकेजिंग एंड स्टोरेज, डिटेल में ये बताया गया है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कल्चर्ड बटर मिल्क है वो कैसे बनता है। अब इसमें फ्रेश स्किम मिल्क है जो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जो सॉलिड कंटेंट है वो इसमें 9 से लेके 10% प्रेजेंट होता है। जो स्किम मिल्क है वो फ्री होता है एंटीबायोटिक से एंड इनहिबिटरी सब्सटेंसेस से। अगर मिल्क में अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम होमोजेनाइज्ड करते हैं अगर उसमें फैट प्रेजेंट है तो। अगर क्रीम और बटर फैट डिज़ायर्ड है प्रोडक्ट में तो हम ऐड करते हैं कोल्ड बटर मिल्क, जब कर्ड ब्रोकन अप करते हैं तभी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मिल्क को पहले हीट किया जाता है होल्डर पैश्चराइजर में, उसके बाद हम उसकी कंटिन्यू स्टीरिंग करते रहते हैं एंड कूल करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे। एंड फिर 1% बल्क लैक्टिक स्टार्टर को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है थॉरोली इन द मिल्क एंड उसके बाद इनक्यूबेट करते हैं 21 से लेके 22% डिग्री सेल्सियस पे विदाउट फर्दर एजिटेशन, ठीक है। उसके बाद एजिटेशन नहीं करनी होती है एंड कोगुलेशन अक्कर हो जाती है जिसमें एसिडिटी है जो वो 0.80 से लेके 0.85% तक होनी चाहिए, रीच हो जानी चाहिए। फिर उसको कर्ड है जो उसको ब्रोक किया जाता है स्लो एजिटेशन करने के बाद, ठीक है। तो स्लो एजिटेशन के साथ साथ स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है एंड 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। फिर उसको हम पैक करते हैं, कूल करते हैं एंड 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस अंटिल डिस्ट्रीब्यूशन रख देते हैं। फिर इसमें एयर की इनकॉर्पोरेशन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग एजिटेशन एंड फिलिंग। एसिडिटी है जो पैकेजिंग में के टाइम पे वो हम चेक करेंगे, वो 0.85 से लेके 0.90% के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद हमने पढ़ा था क्रीमिंग स्टेप, अब हम क्रीमिंग स्टेप को पढ़ेंगे। जो क्रीमिंग है, जो क्रीम है वो इम्पार्ट करती है रिच फ्लेवर बटर मिल्क में एंड डिक्रीज कर देती है विस्कोसिटी को, ठीक है। जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए 20 से लेके 25% ऑफ पैश्चराइज्ड स्वीट होल मिल्क ड्यूरिंग ब्रेकअप ऑफ द कर्ड। उसके बाद हम करते हैं सॉल्टिंग। सॉल्टिंग, सॉल्ट इसमें 0.1% सॉल्ट ऐड किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में इंक्रीज करने के लिए फ्लेवर को। फिर उसके बाद जो बटर ग्रैनुल्स हैं उनको ऐड किया जाता है। जो बटर ग्रैनुल्स और फ्लास्क आर सम टाइम एडेड टू द कल्चर्ड बटर मिल्क मेड फ्रॉम स्किम मिल्क टू सिमुलेटेंस एंड ओल्ड फैशन चर्न्ड बटर मिल्क अपेयरेंस। बटर ग्रैनुल्स हैं जो सेवरल वे से बन सकते हैं, चर्निंग करके कल्चर्ड क्रीम की तब भी बटर ग्रैनुल्स बन जाते हैं, या फिर जब हम हॉट बटर ऑयल से उसे पास करते हैं थ्रू अ स्क्रीन इनटू कोल्ड बटर मिल्क और स्प्रेइंग हॉट बटर ऑयल इनटू कोल्ड बटर मिल्क। वन मेथड इज़ टू प्रिपेयर बटर ग्रैनुल्स, एक मेथड है कि जिससे हम बटर ग्रैनुल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 20% कल्चरल क्रीम लेंगे, देन उसे हम ऐड कर देंगे कल्चर्ड स्किम मिल्क में जब ब्रेकिंग अप हो जाएगी कर्ड की। चर्न्ड बटर मिल्क है जो उसको प्रिपेयर करेंगे बाय कल्चरिंग मिल्क जिसमें 1 से लेके 2% बटर फैट प्रेजेंट होगी एंड उसके बाद कूलिंग करेंगे, कोगुलेट कर देंगे मिल्क को 13 डिग्री सेल्सियस पे, देन फिर चर्निंग करेंगे मिल्क की एंड बटर ग्रैनुल्स हैं जो उनका साइज है जो राइस ग्रेन के जैसा हमें अपीयर होने लगेगा। जो बटर का कलर है वो इंक्रीज करेगा कलर ऑफ द ग्रैनुल्स इफ़ डिज़ायर्ड, ठीक है। दो प्रोडक्ट है उसको कूल करेंगे एंड पैक कर लेंगे। ये हमने दूसरी फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कल्चर्ड बटर मिल्क को कवर किया। तो अभी हम पढ़ेंगे एसिडोफिलस मिल्क। एसिडोफिलस मिल्क कैसे बनता है,
ये एक फर्मेंटेड मिल्क की टाइप है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है डिवेल्प करके मिल्क ऑफ द कल्चर ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, मिल्क में एक हमें कल्चर प्रिपेयर करना होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का। इट इज़ क्लेम दैट जो एसिडोफिलस मिल्क है उसमें थेरेपेटिक एंड हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि क्लेम करती हैं कि ग्रोथ होती है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की अंडर द कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक will replace undesirable purifactive fermentation with the beneficial lactic acid। तो इसको कैसे prepare किया जाता है acidophilus milk को? पहले हम filtration skim receive करते हैं skim whole या फिर defatted milk। ठीक है, तो उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको हम क्लेरिफाई करते हैं, फिर होमोजेनाइज किया जाता है, फिर मिल्क को स्टरलाइज किया जाता है एंड देन कूलिंग, देन इनाकुलेशन एंड इनक्यूबेशन एंड कोगुलेशन एंड ब्रेकअप ऑफ कोगुलेंस एंड कूलिंग एंड पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब हम इसके डिटेल प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसमें हम स्किम होल और पार्शली डिफेटेड मिल्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, मिल्क जिसमें 1% फैट हो प्रेजेंट हो उस मिल्क को यूज़ किया जाता है, उसे हम होमोजेनाइज्ड करते हैं। जो एसिडोफिलस मिल्क है वो सिंपली बनता है शुगर एंड हनी एंड टमेटो एंड कैरेट जूस को ऐड करके। ठीक है, जो फ्रेश मिल्क है पहले हम उसको 115 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 15 मिनट के लिए एंड तो उसके बाद हमें एक स्टराइल मिल्क है जो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें 1% ऑफ ग्लूकोज और हनी ऐड कर देंगे, 5% ऑफ टोमेटो जूस। टोमेटो जूस से क्या होगा कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो वो जल्दी हो जाएगा, बट इज़ नॉट असेंशियल। टोमेटो जूस पर असेंशियल भी नहीं है द मिल्क। फिर उस मिल्क को हम कूल करेंगे 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक एंड फिर इनाकुलेट करेंगे 3 से 5% जो इनाकुलम हमने यूज़ करना है मदर स्टार्टर। ठीक है, जो इनाकुलेटेड मिल्क है उसको फिर हम थॉरली एंड इनाकुबेट करेंगे 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक अंटिल द मिल्क कोगुलेट्स, तब तक जब तक मिल्क कोगुलेट नहीं हो जाता। उसके बाद जो कोगुलिन है कोगुलम है उसे स्लोली ब्रेक डाउन करेंगे, कूल करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस तक। 5 से लेकर 10% लैक्टोज एंड डेक्सट्रिन इसमें हम ऐड करेंगे जो कि डिज़ायर्ड होते हैं। मिल्क को फिर हम स्टिर करेंगे स्मूथली एंड पैक कर देंगे एंड स्टोर करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे अंटिल यूज्ड। जो इसमें स्ट्रेन हम यूज़ करें हैं लैक्टिक एसिडोफिलस की आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड प्रोपेगेट बिकॉज ऑफ द ईज एंड विच कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया आउट नंबर दैम। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट फर्मेंटेड मिल्क की टाइप है बुल्गेरियन बटर मिल्क। इसमें हम प्योर सिंगल स्टार्टर यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस का एंड प्रोपेगेट करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें पहले हम इनक्यूबेशन जो टेम्परेचर हम इसमें यूज़ करते हैं वो 38 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस होता है एंड जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास बुल्गेरियन बटर मिल्क आता है उसकी एसिडिटी 1.2 से लेकर 1.5% होती है। नेक्स्ट है क्यूमिस। ये एक लैक्टिक एसिड अल्कोहल फर्मेंटेड मिल्क है। ठीक है, जिसे हम काऊ मिल्क भी बोल देते हैं एंड ये रशिया में ओरिजिनेट हुआ था। इसमें हम कल्चर यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बुल्गेरिकस का। फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड है जो फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड है उसके बाद हम एडिशन करते हैं ईस्ट की, उसके बाद सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसमें 2.5% अल्कोहल है जो प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट फर्मेंटेड मिल्क इज कैफिर। कैफिर इसका ओरिजिन हुआ था माउंटेन्स में। ठीक है, ये एक सेल्फ कार्बोनेटेड बीवरेज है जिसमें 1% लैक्टिक एसिड 1% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसमें हम कैफिर ग्रेन्स को यूज़ करते हैं एज अ फर्मेंटिंग एजेंट। ठीक है, उनके जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड बेटाबैरिकम क्योकैसिकम एंड कैफिर बेसिली ये स्ट्रेन्स है जो प्रेजेंट होती हैं। लैक्टोज फर्मेंटेड ईस्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है।
जो हमारे कैफिर ग्रेन्स हैं। उसके बाद आ गई जी योगर्ट। योगर्ट जो तुर्किश योगर्ट है या फिर इजिप्टियन लेबन अमेनियन मैटजोन एंड इंडियन दही, ये सारे सिमिलर प्रोडक्ट ही हैं। ओरिजिनली ये योगर्ट है वो बनती है बॉयल्ड कंसनट्रेटेड होल मिल्क से, ठीक है। बट जो मोस्ट मॉडर्न मेथड है मैन्युफैक्चर करने का, होल एंड पार्टली डिफेक्टेड मिल्क कंटेनिंग, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्किम मिल्क पाउडर हो एंड कंसनट्रेट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जो फैट कंटेंट है योगर्ट का वो 0 से लेके 5% तक होता है, देन सॉलिड कंटेंट फ्रॉम 9 से लेके 20%, ठीक है। इसमें 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं, लैक्टोस बुल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये दोनों टुगेदर सिम्बायोटिकली वर्क करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ योगर्ट, ठीक है। कुछ कंट्रीज में इसमें लैक्टिक एसिडोफिलस भी हम ऐड करते हैं इम्प्रूव करने के लिए फ्लेवर ऑफ द योगर्ट। ये जो मेथड है इसका कल्चर का, कल्चरल जो कल्चर कंट्रोल है मेथड है जो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि जो मदर कल्चर है वो बेस्ट मेंटेन्ड हो जाता है इंडिविजुअली रेदर देन मिक्स्ड। जो ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर है ग्रोथ ऑफ स्टार्टर थर्मोफिलस वो है 6.8 pH एंड 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस कल्चर के लिए नॉर्मली जो अटेन एसिडिटीज़ है वो 0.85 से लेकर 0.95% है, एंड एक्सट्रीम सेंसिटिविटी दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टू पेंसिलिन मेक इट इसेंशियल टू सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्री मिल्क फ्रॉम योगर्ट मैन्युफैक्चर एंड ऑल स्टार्टर प्रोपिगेशन। देन जो मदर स्टार्टर है उसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रेश या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्किम मिल्क से। पहले उन्हें ऑटोक्लेव किया जाता है 15 PSI पे 10 से 15 मिनट के लिए, एंड फिर उसको कूल किया जाता है 41 डिग्री सेल्सियस पे। देन इनाकुलेट किया जाता है 0.2 से लेके 1% इनाकुलम। कल्चर है जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का वो इनक्यूबेट करते हैं हम एट 38 डिग्री सेल्सियस, एंड लैक्टिस बुल्गारिकस करते हैं 43 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो कोगुलेशन है वो होती है 12 से 18 घंटे में, एंड इस टाइम में जो कल्चर है वो कूल हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसको, प्रेफरली डेली बनाते रहते हैं योगर्ट को। अ कमर्शियल योगर्ट जो कल्चर होता है उसमें बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसको इनाक्यूबेट किया जाता है 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस पे अकॉर्डिंग टू द सप्लायर्स इंस्ट्रक्शन। बल्क स्टार्टर इसमें हम कैरीड करते हैं स्टेनलेस स्टील वेसल में एंड वैट्स में, जो कि सफिशिएंट कैपेसिटी है, जो उसमें 2 पार्ट्स ऑफ स्टार्टर है जो फॉर एवरी 100 पार्ट्स ऑफ योगर्ट्स है जो मेड होते हैं, ठीक है। नेसेसरी जो क्वांटिटी है स्किम मिल्क की उसको हीट किया जाता है 85 से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस पे बल्क स्टार्टर करने के लिए 30 से 45 मिनट के लिए। फिर उसको 43 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को हम कूल करते हैं। फिर उसमें 1% ऑफ जो हमारा थर्मोफिलस या फिर बुल्गारिकस का कल्चर है दोनों का उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद स्टार्टर्स को मिक्स करने के बाद इनाकुवेट किया जाता है 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक कोगुलेशन अक्कर नहीं हो जाती। जो बल्क स्टार्टर्स हैं उसको कूल करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे एंड स्टोर कर देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे इमीडिएट यू, इसे हम इफ़ नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएट यूज़, ठीक है। तो योगर्ट बनाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो स्किम मिल्क पाउडर या फिर कंसनट्रेट हम ऐड कर सकते हैं होल और पार्शली डिफेक्टेड मिल्क में इंक्रीज करने के लिए सॉलिड नॉट फैट कंटेंट 2 से 3% टू द टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12%, ठीक है। तो इसमें पहले हम होल डिफेक्टेड जो मिल्क है उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसमें हम ऐड करते हैं स्किम मिल्क पाउडर कंसनट्रेट्स, ठीक है। ऐड करने के बाद फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन की जाती है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मिक्स को प्री हीट किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पे एंड होमोजेनाइज किया जाता है सिंगल स्टेज एट 2000 से लेके 2500 PSI पे, ठीक है।
फिर स्टेबलाइजर्स हम फ्रिक्वेंटली ऐड कर देते हैं, मिक्स करते हैं। ये असेंशियल नहीं है बट एक्सेसिव अमाउंट इसकी हम अवॉइड करते हैं, बट स्टेबलाइजर ऐड करते हैं। फिर हम इसे मिक्स करते हैं एंड हीट करते हैं 85 डिग्री सेल्सियस पे, पाश्चराइजेशन करते हैं 30 मिनट्स के लिए। फिर उसको कूल करते हैं 43 से लेके 44 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसमें 2% जो इनाकुलेशन है हमारा स्टार्टर, उसको मिक्स किया जाता है। फिर मिक्स करने के बाद पैकेजिंग की जाती है एंड जो टेम्परेचर है इनक्यूबेशन का, उसको 41 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाता है। एंड जो टाइट्रेबल एसिडिटी है वो 0.75% होनी चाहिए, ठीक है। जो टाइम इंटरवल है इनाकुलेशन एंड फिलिंग का, वो 45 मिनट से लेके एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड जो योगर्ट है पैकेज में, विदाउट फर्दर एजिटेशन हम उसको इनाकुबेट करेंगे एट 41 से लेके 42% डिग्री सेल्सियस 3 आवर्स के लिए, ठीक है। तो जब टाइट्रेबल एसिडिटी 0.75 रह जाती है तब तक हम इसे इनाकुबेट करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये 8 घंटों का प्रोसीजर होता है, 8 आवर्स का। तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जो फाइनल एसिडिटी हो वो 0.9% होनी चाहिए, डिज़ायर्ड होती है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेथड क्या है प्रिपेयर करने का फ्लेवर्ड योगर्ट। जो फ्लेवर्ड योगर्ट है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मेथड क्या है फ्लेवर्ड योगर्ट को प्रिपेयर करने का। जो फ्लेवर्ड योगर्ट है वो पॉपुलर हो चुकी है रीसेंट ईयर्स में। फ्लेवर्स इसमें हम 3 टाइप के यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, नेचुरल विद सिंथेटिक एडेड एंड नेचुरल फ्रूट्स, ठीक है। ये जो फ्लेवर्स हैं उसको हम ऐड करते हैं योगर्ट में, कुछ फॉलोइंग वेज इन्होंने बताए हैं, 3 वे से, ठीक है। बाय मिक्स ब्लेंडिंग, इसमें क्या किया जाता है, जो फ्लेवरिंग मटेरियल है शुगर है एंड कलर है उसको मिक्स किया जाता है प्रायर टू फर्मेंटेशन। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, फ्रूट्स ऑन बॉटम प्रिजर्व और फ्रूट उसको हम ऐड करते हैं पैकेजिंग टू द पैकेजिंग प्रायर टू फिलिंग और सेटिंग, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, बल्क मिक्सिंग। तो योगर्ट को प्रिपेयर किया जाता है एंड बल्क चिल्ड की जाती है, फिर मिक्सिंग किया जाता है फ्रूट ड्रेसिंग एंड पैकेजिंग के साथ पैकेज एंड उसको पैकेज कर देते हैं। फिर जो फ्रेश फ्रूट्स प्रिजर्व एंड फ्लेवर्स एंड शुगर एंड कलर इन सबको हम ब्लेंड करते हैं इन आफ्टर फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने नोट दिया हुआ है एक, जो फ्लेवर्ड योगर्ट है वो एक डिफाइनेट एडवांटेज होता है इसका प्लेन योगर्ट के ऊपर। इन द हार्श एक्टिविटी इन द प्रोडक्ट इज लेस प्रोनाउंस्ड, द इंसिडेंट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल ऑफ फ्लेवर इज रिड्यूस्ड एंड मच ऑफ द नीड टू फॉर कंसंट्रेटिंग द मिल्क इज एलिमिनेटेड। तो इस लेक्चर में हमने फुल टॉपिक जो फर्मेंटेड मिल्क का फुल टॉपिक था उसको कवर किया। पहले फर्मेंटेशन क्या होती है, कितने टाइप्स का फर्मेंटेड मिल्क हम यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। तो उसके बाद स्टार्टर्स के बारे में पढ़ा, मदर स्टार्टर क्या होता है, बल्क स्टार्टर क्या होता है, डिटेल्स पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग की, स्टार्टर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्टर्स के डिफेक्ट क्या होते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।